देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एक बार फिर से बीजेपी के दिग्गज नेताओं का गुस्सा देखने को मिला है, जहां बीजेपी की पाठशाला में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने देश विरोधी ताकतों पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए रिपोर्ट। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ दिखा बीजेपी के दिग्गजों का गुस्सा। बीजेपी की पाठशाला में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साधा निशाना। कैलाश विजयवर्गीय ने देश विरोधी ताकतों को लेकर किया बड़ा खुलासा। देश विरोधी ताकतों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की जताई आशंका। इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देश विरोधी घटनाक्रमों को अंजाम देने के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम देने वालों के खिलाफ अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इंदौर में बीजेपी की जिला स्तरीय पाठशाला में शामिल होने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पाठशाला के बीच देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जुबानी हमला बोला, जहां वीडी शर्मा ने देश विरोधी ताकतों पर जमकर निशाना साधा। उधमपुर तक घुस जाते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, कि भारत माता के वीर सपूतों के लिए जिन्होंने बलिदान किया और भारत माता की रक्षा के लिए जो अपनी आहुति दे देते हैं, और वहां पर हमारी माताओं बहनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के पक्ष स्थलों पर नारे लिखे जाते हैं, खोद दिए जाते हैं, तो भारत का नौजवान उबल जाता है, उसका खून खोल जाता है, वो जम्मू कश्मीर की ओर रवाना हो जाता है। तब हम कहते हैं कि जहां हुए बलिदान उतर गए वो कश्मीर हमारा है। लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन मित्रों ये जो पीढ़ी है, हम सब लोग आज के समय के हैं, और जब संसद के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत के लोकप्रिय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जब निर्णय होता है लोकसभा के अंदर क्या धारा 370 समाप्त होगी, उस पर बहस जब चलती है, तो बहस चलते चलते पूरे सदन के अंदर पूरा देश जब सुनता है, तो एक ओवैसी सांसद कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आप जो कर रहे हैं ये देश जल जाएगा, कश्मीर तो टूट ही जाएगा। लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आज का हमारा जो नेतृत्व है, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व, वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन बनेगा, ये हमारी इच्छा शक्ति है। धारा 370 इस देश पर कलंक किया तो हटेगी, और इसके लिए जब लोग कहते हैं कि जलेगा टूट जाएगा, तो अमित शाह का दृढ़ प्रतिज्ञा आप देखिए, वो कहते हैं संसद के अंदर वैसी ही रिप्लाई के अंदर कि न तो आग लगेगी देश के अंदर, न कश्मीर टूटेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका स्थान संसद में नहीं, उनका स्थान जेल के अंदर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी। वही इस पाठशाला में शामिल होने के लिए आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी देश विरोधी ताकतों को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए ऐसा है कि ये बात सही है कि जो अर्बन नक्सल है वह अपने पैर फंसा रहे हैं। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जितना अच्छा है, जितना लाभकारी है, उतना खतरनाक भी है, दोधारी तलवार है। कई बार अभी मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जितनी भी हिंदू विरोधी और हिंदू समाज को तोड़ने की सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी पोस्ट चल रही है उसका स्रोत पाकिस्तान है। पाकिस्तान से वो चलती है, फिर यहाँ पर इस प्रकार के लोग जो इसको सर्कुलेट करते हैं, और वो हिंदू विरोधी होती है, समाज तोड़ने वाली होती है, आदिवासियों के बीच में घृणा पैदा करना कि आप हिंदू नहीं है, इस प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास तक बहुत पहुंचती है। तो इस देश को कमज़ोर करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है उसके शिकार हमारे के भी कुछ लोग हो जाते हैं, इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एक बार फिर से बीजेपी के दिग्गज नेता मुखर होते दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।